बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की हमारी खोज में आपका स्वागत है, जो ज्ञान और करुणा के हृदय की यात्रा है। 2500 साल से अधिक पहले लुम्बिनी के छोटे से गांव में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार का जन्म हुआ था। उनके जन्म को शुभ संकेतों ने चिह्नित किया था और यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता। महल के जीवन की सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर देखे गए दुख से गहराई से प्रभावित हुए। दुख के स्वभाव को समझने और उसे समाप्त करने का मार्ग खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना शाही जीवन छोड़ दिया और एक आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं का अन्वेषण किया, जिसमें कठोर तपस्या भी शामिल थी, लेकिन उन्हें सच्चा प्रबोधन प्रदान करने में ये अपर्याप्त लगी। 6 वर्षों की गहन खोज के बाद उन्होंने आत्मलिप्तता और आत्मसंयम के बीच एक मध्यम मार्ग चुना। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने अडिग संकल्प के साथ ध्यान किया। दिनों के बाद उन्होंने प्रबोधन प्राप्त किया और बुद्ध जागृत एक बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझ लिया, जो दुख को दूर करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक भारत भर में यात्रा की, अपने अंतर्दृष्टि को सभी प्रकार के लोगों के साथ साझा किया। उनकी शिक्षाएं या धर्म, नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के महत्व पर जोर देती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में सचेतनता और ध्यान का अभ्यास है। जागरूकता और एकाग्रता को विकसित करके हम अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन कर सकते हैं, जो स्वयं और वास्तविकता के स्वभाव की गहरी समझ की ओर ले जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि सभी प्राणी प्रबोधन की क्षमता रखते हैं। उनकी शिक्षाएं सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं को पार करती हैं। दुख से मुक्ति का एक सार्वभौमिक मार्ग प्रदान करती हैं। 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुख का सत्य, दुख। 2. दुख के कारण का सत्य, समुदय। 3. दुख के अंत का सत्य, निरोध। 4. दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य, मार्ग। अष्टांगिक मार्ग नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक मार्गदर्शिका में शामिल है। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाणी। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। करुणा और मैत्री, प्रेमपूर्ण दया बुद्ध की शिक्षाओं के हृदय में है। इन गुणों को विकसित करके हम एक अधिक असामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व बना सकते हैं। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध परिनिर्वाण में प्रवेश कर गए। अपने अनुयायियों को ज्ञान और करुणा की समृद्ध विरासत छोड़ गए। उनके